ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सुधर टुथलाइस विद इन में। और आज हम बात कर रहे हैं 31 मार्च के ईश्वर वरदान की, जहां परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हम कैसे एक संत, एक सेंट जैसे कैसे बने और इनोसेंट भी रहें, लेकिन साथ साथ दिल में इनोसेंट रहते हुए हम त्रिकालदर्शी बने, मतलब तीनों कालों को समझ करके हम कर्म ऐसे करें। तो देखें, परमपिता परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, नॉलेजफुल बन, नॉलेजफुल जो आत्मा होती है वो कभी किसी कर्म में बिना सोचे समझे आ नहीं सकती है। तो नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भवा, तीनों कालों को समझ करके कि अभी मैंने जो कर्म किया वो मुझे पीछे आकर के काटेगा। तो काटेगा, सिर्फ पीछे आकर काटेगा मतलब कि अगले 10 घंटे में नहीं, अगले 10 महीने में नहीं, पूरे 5000 साल के बाद में आकर के मुझे भुगतना पड़ेगा। यस, ये एक साइकिल है, ये चक्र है। तो हम जो अभी करते हैं उसका असर 5000 साल तक चलता है। तो अभी परमात्मा ने हमारे अंदर चाबी भर रहे हैं कि हम कितनी चाबी भरेंगे, प्योरिटी की चाबी, शांति की चाबी, शक्ति की चाबी। अभी जितनी भरेंगे उतनी आत्मा के अंदर शक्ति, आत्मा रूपी बैटरी के अंदर शक्ति, और हम पूर्व अलग अलग जन्मों में जब हम शरीर लेंगे तो वो संस्कार हमारे साथ जाएंगे और वो संस्कारों का असर हमारे पर होगा। तो कितना ध्यान देना चाहिए, इसलिए तीनों कालों को समझ करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के चिंता करके, हमें अपने चिंतन करके, चिंता करके हमें कर्म करने हैं। परमात्मा फिर कहते हैं, त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, है ना। काम वासना में नहीं जाना चाहिए था लेकिन चले गए, क्रोध में नहीं आना चाहिए था लेकिन चले गए, अहंकार नहीं करना चाहिए था लेकिन अहंकार गया, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए ईर्ष्या हो गई, मोह में नहीं जाना चाहिए था मोह हो गया, घृणा नहीं करनी चाहिए घृणा के वचन निकल के मुख से। परमात्मा कहते हैं, लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हैं। भोलापन, परमात्मा भोलानाथ, हम भी भोले हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो। परमात्मा के सामने दिल साफ होना चाहिए, झूठा नहीं, तो दिल से भोले बनो, है ना। फिर परमात्मा कहते हैं, बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो, कि बात में कुछ भी बोल दिया, कर्म करते में कुछ भी कर दिया, इसमें भोलापन, इसमें बुद्धि वाले, विवेक वाले बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। तीनों कालों का समझ करके जब हम बात करते हैं तब हम सेंट होते हैं। सेंट कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ना कभी ईर्ष्या घृणा नफरत में आते हैं। तो सेंट बनना है तो तीनों कालों के बारे में सोचो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में सोच करके फिर कर्म करो, क्योंकि बहुत ही ये गंभीर बात है। अभी हम जो कर्म करेंगे वो हमें काटने के लिए वापस आएगा। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, ये त्रिकालदर्शी होते कैसे हैं, इसको समझे कैसे हैं, इसके लिए आपको ब्रह्म कुमारी का 7 दिन का कोर्स करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ओम शांति।